हेलो एवरीवन, निधि किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी ऑरेंज की आइसक्रीम, जिसे हम बहुत ही इजी सिंपल मेथड से बनाकर तैयार करेंगे विदाउट कुकिंग, और बाहर से हमें कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। झटपट से बनने वाली हमारी टेस्टी ऑरेंज आइसक्रीम रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज मैं बनाने वाली हूँ ऑरेंज की आइसक्रीम, वो भी टैंग से, क्योंकि पहली बार मैंने जो बनाया था वो इमल्सन से, उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन वो सबको नहीं मिल पाता है इमल्सन, तो मैंने आज बनाया है टैंग से। इसके लिए हमने ले रहे हैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी, तो आप अपने हिसाब से ले लें जैसा आपका जो सांचा हो उस हिसाब से। अब हम डाल देंगे यहाँ पर टैंग, तो मैं डाल रही हूँ 3 बड़े टेबल स्पून भर के, मतलब 10 से 12 चम्मच के लगभग होगा, क्योंकि ना ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे ना ही और कुछ भी चीज़, तो ये थोड़ा मीठा होना चाहिए। अगर मीठा नहीं होगा तो फिर आइसक्रीम अच्छी नहीं लगेगी, और ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे अच्छी तरह से घोल दिया है। अब यहाँ पर हमें सिंपल सा ले लेना है आइसक्रीम का सांचा। ये वाला आइसक्रीम का सांचा मैंने रिलायंस फ्रेश से लिया था, 250 रुपये का। आप इसे ग्लास में भी बना सकते हैं, ग्लास में डालकर और चम्मच उल्टा कर दें तो वो स्पून भी बन जाएगी आपकी और स्टिक भी बन जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भी आप बना सकते हैं, आप इन्हें जो डिस्पोजेबल कप होते हैं उनमें भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे कि सांचा कहाँ से लाएं, सांचा ना हो तो कैसे बनाएं, तो मैंने सब आपको बता दिया है। आप गिलास में बना सकते हैं, कप में, डिस्पोजेबल कप में, सब में बना सकते हैं आप। बस इसी तरह से घोल कर आप डाल दें और किसी भी प्लास्टिक या फिर क्लीन रैप से या फिर आप सिल्वर फॉइल से कवर कर दें, जिससे कि ऊपर क्रिस्टलाइजेशन ना हो। और अच्छी तरह से आप इसे कवर अप करके, अगर आपके पास स्टिक हो तो आप स्टिक लगा दें या फिर चम्मच को उल्टा करके भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये क्लीन रैप लगा दिया है। अब हम इसमें छोटा छोटा सा होल कर देंगे, जिससे कि हमारी ये स्टिक जो है वो स्टिक हो जाए। आपको मेरे चैनल में आइसक्रीम की ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी जो मैंने पिछले साल डाली थी, और उन सभी रेसिपीज़ को आपने बहुत प्यार दिया था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब ये सभी स्टिक हम लगा देंगे और इसे ओवरनाइट आप अच्छी तरह से रख दें। फ्रिज का टेम्परेचर आप हाई कर दें, क्योंकि जो छोटा वाला फ्रिज होता है ना उसका टेम्परेचर कम होने के कारण आइसक्रीम जम नहीं पाती है, तो इसे रख देते हैं हम ओवरनाइट के लिए। तो ये देखिए रात भर हमने फ्रिज में रख दिया था, अब बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, ना ही हमें गर्म पानी में डालना है ना ही नॉर्मल पानी में, और ये बहुत ईजिली हमारी आइसक्रीम बाहर निकल जाएंगी। ये देखिए तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी ऑरेंज आइसक्रीम। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।